दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा Alibaba.com वेबसाइट के बारे में। हम यहां से मशीनें कैसे खरीद सकते हैं, बल्क में मशीनें यहां से कैसे खरीदी जाती हैं और सस्ते में कैसे मशीन खरीद सकते हैं, और यहां पे बहुत सारे फ्रॉड भी आपको देखने को मिलेंगे, और कस्टम ड्यूटी क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। और आप यहां से कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। माय नेम इज पोंदियाका, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर अभी आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी होती है वीडियो को लाइक जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको Alibaba.com वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको सेटअप 1999 में सेटअप किया गया है, और इसके CEO जिन्होंने इसको फाउंड किया है वो है जैक मा, चाइना फ्रॉम चाइना, और ये चाइना की सबसे बड़ी रिटेल मार्केटिंग कंपनी है। ये जो वेबसाइट है ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर और बायर दोनों आके कोलैबोरेट होते हैं, मिलते हैं, जहाँ पर हम जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो अपनी जो भी मैन्युफैक्चर करता है वो चीज़ें बायर को बेच सकता है इस वेबसाइट पर, और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बल्क में अपने जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो ए डायर मशीन हो या ड्रिल मशीन हो या एंगल ग्राइंडर मशीन हो या आपकी टायर मशीन हो, व्हील बैलेंसिंग मशीन हो, कोई सी मशीन मैन्युफैक्चर करता है तो वो बल्क में मतलब बहुत सारी मशीनें एक साथ दूसरे बिजनेसमैन को या कोई भी जो बायर है उसको बेच सकता है इस वेबसाइट के थ्रू। और इस वेबसाइट का टर्नओवर 400 बिलियन डॉलर है। जैसा आपने सुना, 400 बिलियन डॉलर इस वेबसाइट का टर्नओवर निकाला गया है, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट अब आज के टाइम में ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। पर इस वेबसाइट में एक सेकंड में कई लाख ऑर्डर आते हैं, और इस वेबसाइट का सर्वर बिल्कुल भी हैंग नहीं होता। इस तरह की जो पावर आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी सामान खरीदना है तो पहले आपको जो इसका Alibaba.com का एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, जैसे भी सिंपल ही तरह से अकाउंट बनाना है, उसमें नाम वाम लिख के और अपने मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अकाउंट बनने के बाद आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत तरह, जैसे भी आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत तरह की आपको मशीनें देखने को मिलेगी। पहले आप मशीनें और कैटेगरी है, जहाँ पे कैटेगरी में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप चीज़ें, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी कमर्शियली, या आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, फेस के रिगार्डिंग, या बॉडी क्लोथ, या कुछ भी चाहिए आपको उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से सामान जो होता है वो ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कोई भी मशीन चाहिए, जैसे आप मुझे चाहिए टायर बैलेंसिंग मशीन, तो मैं इस पर सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्चिंग होने के बाद बहुत सारी जो टायर बैलेंसिंग मशीन आपको दिख जाएंगी, और वो कौन सी कंपनी की है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और कितना कितना प्राइस है पहले हम वो देख लेते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके बाद हम अंदर जाके वो सर्च कर सकते हैं उस जो मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, और कौन से वेंडर के थ्रू, कौन सी कंपनी के थ्रू उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और उस जो मैन्युफैक्चर का बंदा है उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं और दूसरी मशीन के बारे में। अगर हम ड्रिल मशीन सर्च करते हैं तो ड्रिल मशीन भी आप देख सकते हैं, कई तरह की ड्रिल मशीन, और कितने चीप प्राइस में आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है। पर आप इसी तरह से आप एंगल ग्राइंडर मशीन या आपकी हैमर मशीन या बहुत तरह की मशीनें जो है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और कितना प्राइस में हमें देखने डिफरेंस देखने को मिलता है आप जैसे देख रहे हैं। और पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2000 से ऊपर का कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर लग जाती है कस्टम ड्यूटी। लगने के बाद उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कस्टम ड्यूटी किस किस प्रोडक्ट पर लगनी है और कितनी लगनी है। हमें ये नहीं पता होता कितना इसमें जो भी हमने कोई सामान लिया, ड्रोन लिया मान लिया, ड्रोन पर तो कस्टम ड्यूटी लगती ही लगती है। अगर हमने कोई भी मशीन लिया, पहली बात तो 2000 से ऊपर का जो सामान हम लेते हैं उस पर, जो हाई अमाउंट का लेते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, और लगने के बाद हमें ये नहीं पता होता इस पे सामान पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगी, इसका हमें पता नहीं होता। इस तरह की जो समस्या होती है इसमें, उसका प्राइस हमें बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत होने वाली बात हो आती है। और क्योंकि वो अगर हम मशीन अगर हम इंडिया में लेंगे तो वो हमें मिल जाएगी,
वो भी कम दाम में, अगर उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाती तो उसका प्राइस बहुत हाई होता है, और हम देखते हैं कि वही मशीन हमें कम दामों पर इंडिया में मिल जाएगी। तो इस तरह से पहले हमें मशीन को देखना है कि वो कौन सी मशीन है, उस पर कितनी किस हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर अगर हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी ना लगे, या अब कुछ और भी हम उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो हमें पहले वहाँ पे जो उनके एजेंट होते हैं, पहली बात आपको उन एजेंट से बात करती रहनी चाहिए कि जो उस जिसके साथ आपके किसी अदर बंदे ने सामान मंगाया हो, पीस मंगाया हो, और उस बंदे के पास पता हो कि ये एजेंट सही है, कोई भी फ्रॉड नहीं करता, तो उस तरह से आपको उस भाई से बंदे से बात करनी है। आपके रिलेशनशिप में कोई बंदा हो तो उससे बात कर लेनी है, और जाके उस बंदे का एजेंट का नंबर लेना है, उससे बात करनी है, और वहाँ पे सब कुछ चेक, मतलब आपको ट्रस्टफुल होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है, तो उसके बाद ही आपसे मशीन के बारे में ऑर्डर करना। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप मशीन के लिए ऑर्डर करते हो तो उससे बोले, भाई क्या नाम है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो एक बार मुझे अपनी जो कंपनी है आपकी उसकी एक बार वीडियो बना के मुझे दिखा दो, या ऑनलाइन लाइव वीडियो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप मुझे दिखाइए कि आप किस तरह से मशीनों को बनाते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप लेने जाते हैं वो कैसे आप बनाते हैं, वो किस तरह की मशीन आपके पास है, अगर आपको उनसे बल्क में सामान खरीदना है तो। अगर आपको एक और दो पीस चाहिए तो उसमें तो इतना कुछ करना नहीं होता, पर आपको बल्क में सामान चाहिए, 100, 1000, 2000 पीस चाहिए, तो आप ये बात कर सकते हैं, तो वो आपकी बात को काटेंगे नहीं। वो अगर वो सही बंदा होगा तो वो बात को टालेगा भी नहीं, और आपको वीडियो और लाइव चैट जरूर करके देगा। और इसके बाद जो कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत तरह का फ्रॉड जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह का फ्रॉड होता है, कुछ होते हैं जो रिटेलर होते हैं और जो मिडल बंदे होते हैं जो के जो अपने पास के सामान नहीं होते, वो खुद मैन्युफैक्चरर सामान खरीदते हैं और आपको देते हैं, पर वो बंदे ये शो करते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरर है। उनसे आपको बच के रहना है, आपको सामान सीधा, अगर आप बल्क में सामान चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए, तो आपको सीधा मैन्युफैक्चरर जो उस चीज को बना रहा है उससे ही लेना है, क्योंकि आप रिटेलर या बीच के किसी बंदे से सामान लोगे तो वो सामान तो मैन्युफैक्चरर से लेके आएगा और आपको भेजेगा, तो उसके बीच में जो अपना कमीशन लेगा, कमीशन लेने के बाद बाई चांस आपके साथ उसने फ्रॉड किया कि आपको जो सामान चाहिए था वो ना देके कुछ और सामान आपके पैकिंग में दे दिया, आप उसको वापस भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाए, तो इस तरह की दिक्कत वहां पे पैसा वापस आना या पैसे का फंस जाना और वहां से रिटर्न मनी का आना, थोड़ी सी दिक्कत उसमें देखने को मिलती है, या हो सकता है पैसा वापस भी ना आए, क्योंकि अगर वो बंदा बैठे ही है फ्रॉड करने के लिए तो आपको पैसे कैसे वापस कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको उन्हीं बंदों से बात करनी है, उनसे ही माल लेना है जो बंदे एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत ही अच्छी डील करते हैं। तो इसलिए आपको पहले आसपास जो अपने रिलेशनशिप में कोई बंदा वहां से माल खरीदता है, बल्क में माल खरीदता है, उससे बातचीत करनी है, और उससे अच्छे जो रिटेलर होते हैं और जो अच्छे मैन्युफैक्चरर होते हैं और अच्छे वहाँ जो उसके एजेंट हैं उनसे बात करने के बाद ही आपको मशीनें ले ली है, क्योंकि एजेंटों का काम होता है दिल्ली का, तो उनको पता होता है कि किस चीज़ पे कस्टम ड्यूटी लगनी है, कितनी लगनी है, क्या क्या मैटर होते हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में अगर आप एक साथ ही बहुत बल्क में सामान ऑर्डर कर देंगे, उस पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगी और आपको पता लग रहा है कि ये सामान तो यहाँ पर सस्ता मिल जाता मेरे को और वहाँ पर मुझे ज़्यादा महंगा पड़ गया, तो इस तरह की दिक्कत आपको गलती नहीं करनी है, ताकि आप समझदारी से काम लोगे तो समझदारी से आपको अच्छा जो रिस्पॉन्स होता है वो देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे भी इंडिया में भी उसका रेट देख सकते हैं, और वहाँ पे भी वेबसाइट के थ्रू और एजेंट से बात करने के थ्रू और मैन्युफैक्चरर से बात करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं उसका प्राइस में कितना डिफरेंट मिलता है, वहाँ से आने का ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं कि आप अगर वहाँ से मशीन जो भी मंगा रहे हैं बल्क में उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है या नहीं मिलता, और या आप इंडिया से सामान लेंगे तो इतना ईजी पड़ता है, और तो आराम से आप जो भी चीज़ ले जाते हो वो ले लेते हो और उसको बेच सकते हो, तो अगर वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ से भी आप चीज़ों को खरीद और बेच सकते हो। तो अगर आपको वहाँ से जो alibaba.com की वेबसाइट से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो तो मिलता ही है, पर आपको थोड़ा सतर्क और जागरूक रहने की बहुत जरूरत है, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो चाहिए कैसे आपको अगर कोई भी माल आपको फंस जाता है या उसमें कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लग जाती है या आपके पास कोई फ्रॉड किया जाता है, तो आपको मेल करनी आनी चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको कैसे अपना हक चाहिए वापस, उस सब चीज़ों की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको ऑनलाइन चीज़ वेबसाइटों से alibaba.com और इनकी और वेबसाइट है वहाँ से सामान लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इस सब चीज़ों की पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप बल्क में मंगाएं चाहे कैसे मंगाएं, आपके लिए कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो यही है अलीबाबा वेबसाइट के बारे में आपको मैंने बताया, आपको कैसे सामान खींचते हैं। अगर आप किसके बारे में और वीडियो जानना चाहते हैं कि आप कैसे जो
सामान बुक करेंगे, कैसे मंगवाएंगे। अगर उसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं आगे तो वीडियो कर देना लाइक और रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना। कमेंट में लिखे हुए जरूर बताना कि आप इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ना बनाऊं, और वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर देंगे लाइक। थैंक यू गाइस।